उत्तराखंड के चंपावत के बनवासा में भारत नेपाल सीमा से नेपाल के लगभग 1500 नागरिक अपने देश लौट गए। यह पिछले 2 महीनों से यहां फंसे हुए थे। चंपावत के एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि नेपाल के यह सभी नागरिक भारत के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचे थे। हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। अभी जो नेपाल सरकार के और इंडिया सरकार के जो संधि हुई, अब जैसे बात मिली उनके बाद हम लोग का जो नेपाली है, नेपाली का हम लोग का जो पिठार है जो इंडिया सरकार का बहुत अच्छा ही है, ठीक है। क्योंकि नेपाल के लोग सब पे बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी जो इंडिया सरकार है हम लोग का अच्छे तरीके से जो बॉर्डर पास क्रॉस करवा के हमारा जो देश नेपाल है वहाँ पर अच्छे तरीके से पहुँचा दे रहे हैं। इसके लिए इंडिया सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम लोगों ने लगभग 1500 नेपाली सिटीजन्स को बॉर्डर क्रॉस करवाया है। कल हमारी नेपाल के कंचनपुर जिला के जिलाधिकारी और वहाँ एसपी के साथ बातचीत करके ये हम लोगों ने समन्वय किया कि आज इन नागरिकों को बॉर्डर कर पार करवाया जाएगा। अतः आज 1500 नागरिकों को बॉर्डर पार करवाया गया है। सर, क्या कारण है? पहले हामी नहीं भरी थी, अब हामी भर दी नेपाल सरकार ने। देखिए, धीरे धीरे चूँकि भारी संख्या में नेपाली नागरिक आए हैं और ये भी काफ़ी मजबूर लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे थे, तो आखिरकार नेपाल सरकार को चूंकि इनकी कंडीशन देखते हुए इनको आज जो है लेना पड़ा है।